बताना चाहती हूँ, जिसका नाम, इस पोएम का नाम है अमांडा। इस पोएम के पोएट का नेम है रॉबिन क्ले। तो पहले हम लोग पोएम के बारे में जानना, इससे पहले पोएट के बारे में तो जानना ही चाहिए, तो पहले हम लोग पोएट के बारे में जानते हैं। तो पोएट का नाम है रॉबिन क्ले। रॉबिन क्ले बॉर्न ऑन 28 फरवरी। रॉबिन क्ले का जन्म 28 फरवरी में हुआ था 1936। उनका जन्म 28 फरवरी 1936 में हुआ था इन कैप्सी न्यू साउथ वेल्स इन टू अ फैमिली ऑफ 9 चिल्ड्रेन। उनका जन्म कैप्सी न्यू साउथ वेल्स और ऐसे फैमिली में हुआ था जहाँ 9 बच्चे थे। सी लेफ्ट स्कूल एट एज ऑफ 15। उन्होंने अपना स्कूल छोड़ दिया था 15 ईयर्स एज में। और इसमें लिखा और बोला गया है ही हर फर्स्ट स्टोरी वॉज पब्लिश एट 16 ईयर्स एज। उन्होंने अपनी पहली स्टोरी पब्लिश की थी 16 ईयर्स एज में। तो पोएट के बारे में हम लोग जान चुके हैं, तो अपने पोएम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है डोंट बाइट योर स्नेल अमांडा। डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा। यहाँ पे बाइट मतलब होता है काटना और नेल्स मतलब होता है नाखून। तो इसमें बोला गया डोंट बाइट योर नेल अमांडा। अमांडा अपने नाखून मत खाओ। डोंट हर्च योर शोल्डर्स अमांडा। डोंट हर्च योर शोल्डर्स अमांडा। हर्च मतलब होता है उचकाना और शोल्डर्स मतलब होता है कंधे। तो उसमें बोल रहा है कि डोंट हर्च योर शोल्डर्स अमांडा। अमांडा अपने कंधे ऐसे मत उचकाओ। स्टॉप दैट स्लोचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। स्टॉप दैट स्लोचिंग। स्लोचिंग मतलब होता है पैरों की चाल और स्ट्रेट मतलब होता है सीधे। अमांडा उसमें बोल रहे हैं कि अमांडा ऐसी बेढंग की चाल मत चलो, सीधे बैठो। तो इतने सब कुछ सुनने के बाद अमांडा सोचती है कि मैं एक अकेले समुद्र में होती, मेरे को कोई ना कुछ बोलने वाला होता। तो उसने क्या कहा सब देखते हैं। देयर इज अ लैगर्ड इमैनुअल सी। लैगर्ड होता है शांति और इमैनुअल होता है एक पत्थर होता है जो हरे रंग का होता है। वैसे समुद्र भी हरे रंग का होता है। तो इसमें बोला गया है देयर इज अ लैगर्ड इमैनुअल सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट। सोल मतलब होता है अकेला और इनहेबिटेंट मतलब होता है निवासी, अकेला निवासी। इज मी मैन अ मरमेड। मरमेड मतलब होता है जलपरी। ड्राफ्टिंग मतलब होता है जलधारा, जलधारा में शांति से तैरना। ब्लिसफुली का मतलब होता है शांतिपूर्वक। तो उसने कहा है कि देयर इज ए लैगर्ड इन माय सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी अ मरमेड ड्राफ्टिंग ब्लिसफुली। तो वो कह रही है कि मैं एक काश मैं एक जलपरी होती जो एक अकेले समुद्र